मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल बताने पर बीजेपी नेता और इंदौर एक से पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। विजयवर्गीय ने कहा है कि आपने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन हमने जो भी वादा किया था हम सभी पूरा करेंगे। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि आपके और हमारे घोषणा पत्र के बीच अंतर ये है कि आपका घोषणा पत्र कूड़ेदान में फेंकने योग्य और हमारा घोषणा पत्र कंप्यूटर में डालने योग्य, ताकि लोग देख सके कि हम प्रत्येक वादे को कैसे पूरा करते हैं। आगे बीजेपी नेता और इंदौर एक से पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने देश और प्रदेश में विकास किया है उससे हर व्यक्ति खुश है। गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत घर और गैस चूल्हा मिला है, उन्हें अन्य योजना के तहत राशन मिला है, इससे सभी लोग बड़ी खुशी से दिवाली मना रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की घोषणा पर जमकर हमला बोला था। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठे पत्र है, इसलिए कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस की नकल रही है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने कहा कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र से सत्तारूढ़ पार्टी की प्रचारित बात गायब है कि लाडली महिला योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली रकम को 1250 रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3000 रुपए तक पहुंचाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए मतदाताओं से झूठ बोलती है। सूबे की सरकार ने विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले 10 जून से लाडली महिला योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्य के 1,32,00,000 महिलाओं को सरकारी खजाने से हर महीने 1250 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।